करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा लक्ष्मी कौस्तुभकारिजातकसुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आज तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी स्टोन की बीमारी के बारे में। आयुर्वेद में पथरी को अश्मरी कहा गया है। इसमें वात दोष मूत्राशय में आए हुए पित्त के साथ कफ को सुखा देता है और तब पथरी बन जाती है। भारत में पथरी की समस्या का प्रसार 11% है और महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ये समस्या 3 गुना अधिक पाई जाती है। ऐसे में माना जाता है कि भारत की कुल आबादी में 12% आबादी को मूत्रपथ की पथरी होने की संभावना है, जिनमें से 50% आबादी के गुर्दे को नुकसान कर सकता है। वहीं इसके अलावा उत्तर भारत में लगभग 15% जनसंख्या गुर्दे की पथरी की समस्या से ग्रसित है, लेकिन दक्षिण भारत में इसके मामले कम हैं। कैल्शियम स्टोन किडनी स्टोन का सबसे आम प्रकार है। आपको लगातार दर्द हो सकता है या दर्द कुछ मिनट तक होने के बाद गायब हो जाता है और फिर वापस आ जाता है, तो ये किडनी स्टोन के लक्षण हैं। भूख कम लगना, यूरिन में दिक्कत, हल्का बुखार और कमजोरी जैसे लक्षण पथरी के संकेत हैं। वैसे पथरी छोटी हो तो उसका कोई लक्षण या दर्द नहीं होता। पथरी जिस स्थान पर होती है उसी जगह पर दर्द होता है और जब पथरी किसी वजह से हिलती है तो काफी दर्द और उल्टी भी आ सकती है। कई बार यूरिन के साथ ब्लड आने लगता है। तो ये तो थी किडनी स्टोन के बारे में कुछ और जानकारी। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन को निफ्रोलिथियारिस भी कहते हैं। गुर्दे की पथरी एक क्रिस्टल खनिज पदार्थ है जो गुर्दे या मूत्र पथ में कहीं भी हो सकती है। एक छोटा पत्थर बिना लक्षण के बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर पथरी 5 mm से ज्यादा का हो तो ये रुकावट पैदा करता है, जिससे परिणाम स्वरूप दर्द और उल्टी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। विभिन्न कारक इन पत्थरों के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अनुवांशिकी और पर्यावरण कारकों के चलते अधिकांश पथरियां बनती हैं। आजकल गुर्दे में पथरी होना जैसे सामान्य हो गया है। इसके लक्षण नजर आते ही तुरंत पथरी का इलाज करना चाहिए। आयुर्वेद में इसका सटीक इलाज है जो राहत देता है। किडनी स्टोन से निजात पाने के उपायों के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्य अनुज जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वैद्य अनुज जैन से आपका परिचय करा देते हैं। आप जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। आपसे गुरुकुल परंपरा से ट्रेनिंग, जिसमें 50 विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप विभिन्न औषधियां भी बनाते हैं और पंचकर्म प्रशिक्षण लेकर रोगियों को भी सेवाएं देते हैं। आप पूरे देश में इमरजेंसी कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी पर 80 से ज्यादा सेमिनार भी कर चुके हैं। तो ये तो था वैद्य अनुज जैन का परिचय। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और किडनी स्टोन के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं। फोन लाइन खुल चुकी है। वहीं अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आयुर्वेद के मुताबिक किडनी स्टोन की बीमारी का क्या कारण होता है? जी नमस्कार, ये न्यूज के सभी जैसा कि आपने किडनी स्टोन के कारण है, हम देखेंगे कि किडनी स्टोन के लिए जब कारण की बात आती है तो एक कल्प्रिट या कॉज जिसको मानते हैं तो माना जाता है कि भाई कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, इनके कारण किडनी स्टोन फॉर्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं, आयुर्वेद कहता है कि जो स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ स्पेसिफिक रोगियों में होता है। स्पेसिफिक रोगियों के लिए कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें इनको पाइल्स का प्रॉब्लम है, इनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इनको इरिटेबल वोवल सिंड्रोम नाम की बीमारी है, IBS कहते हैं। ऐसे कुछ खास बीमारियां हैं जिनको आयुर्वेद में माना गया है कि इन ऐसे रोगियों में स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा होता है और उसका एक कारण है। सिर्फ ये बोलना कि कैल्शियम के कारण या ऑक्सीलेट के कारण फॉर्मेशन होता है, ये अधूरा सच है, अर्ध सत्य है।
डॉक्टर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि किडनी की बीमारी के प्रति कब अलर्ट होना चाहिए? किडनी स्टोन कोई भी बीमारी हो, खासकर हम आज किडनी स्टोन पर बात कर रहे हैं, तो वो उसके पहले हमेशा कोई भी बीमारी हो अलार्मिंग साइन देती है। तो अलार्मिंग साइन का मतलब क्या है? किडनी स्टोन में अलार्मिंग साइन क्या होंगे? पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई जैसे हो रहा है, यदि कोई कारण नहीं है और रिकरेंट यूटीआई हो रहा है या कभी यूरिन में ब्लड आ रहा है जी, उस कंडीशन में हमें समझना चाहिए कि कोई भी कारण है। हो सकता है कि छोटे छोटे स्टोन है उस समय वो यूरिन के द्वारा पास हो रहे हैं जिसके कारण पेशेंट को यूटीआई डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए जरूर एक बार जांच करानी चाहिए और आयुर्वेद चिकित्सक से मिलना चाहिए कि इसके जो अलार्मिंग साइन है इससे पेशेंट समझ सकता है कि उसको कोई जैसी तकलीफ होने वाली है, हो सकती है। कई बार ब्लड भी आता है यूरिन में, इसको हेमेचूरिया भी कहते हैं, अस्तार अस्तमूत्र प्रवृत्ति कहा जाता है। ऐसी कोई स्थिति देखने को मिल रही है तो अलार्मिंग साइन है और तुरंत आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करके इसकी चिकित्सा के बारे में बात करनी चाहिए जी। डॉक्टर, किडनी स्टोन के मरीजों को किस तरह का खान पान रखना चाहिए? किडनी स्टोन के मरीजों को एक बहुत आपके शो के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि एक जो बात बताई जाती है कि बहुत सारा पानी पियो, लॉस ऑफ वाटर पियो, सुबह उठकर पियो, दिन भर पियो, तो ये जो है ये भी एक आगे जाकर कारण बनता है। हाँ, इन एक्यूट कंडीशन जब ये हमें स्टोन को फ्लश आउट करना है, ऐसी स्थिति में यदि हम पानी पी रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी को स्टोन हो चुका है, उसको बोला गया है कि सुबह ना हो, तो ज्यादा पानी लगातार पीते रहना ये नुकसानदायक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। के लिए पानी की जो मात्रा है वो लिमिटेड हो, जब प्यास लगे तब पानी पिए पेशेंट, तो ये समस्या नहीं आएगी। और खाने पीने में दो चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया इसका कारण जो है वो तीन प्रकार के रोगियों में ज्यादा देखा जाता है, जिनको अर्थ है, आईबीएस है, या पाइल्स है, या कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है। तो ऐसे तीन रोगियों में क्यों होता है तो स्टोन का फॉर्मेशन? क्योंकि ये लोग मोस्टली है खाली पेट रहते हैं पेशेंट और नाइट फूड लेते हैं, आफ्टर नाइट फूड और एम्प्टी स्टोमक रहना, ये दो कारण जो है स्टोन फॉर्मेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी ये जो अन्य बीमारियां मैंने जो बताई उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि इस बात का ध्यान रखा जाए कि खाली पेट पेशेंट ना रहे, सुबह ब्रेकफास्ट लंच की जगह ब्रेकफास्ट को ले, सॉरी ब्रेकफास्ट ले या खाली पेट नहीं रहना चाहिए, मूल बात यह है। और नाइट में जल्दी खाना खाए कोई भी रोगी हो या सामान्य व्यक्ति को भी यही रेजिमेन फॉलो करना चाहिए, यदि ऐसा करते हैं तो स्टोन की परेशानी या स्टोन फॉर्मेशन नहीं। जी डॉक्टर, डायबिटीज के मरीज की अगर हम बात करें तो उनको किडनी स्टोन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल जो मैंने बताया अभी ऐसा ही ध्यान रखना होता है आपके लाइफ स्टाइल के लिए, जहां पर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, बचाव की बात करते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज को कंट्रोल रखना, और डायबिटीज को कंट्रोल सिर्फ औषधियों के माध्यम से ना रखकर लाइफ स्टाइल को बदल कर रखना कंट्रोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दवाइयां खाते रहने से डायबिटिक पेशेंट में हेमेचूरिया या यूटीआई, बार बार यूरिन में इंफेक्शन होने की समस्या बनी रहती है, और जिन लोगों को बार बार यूरिन इंफेक्शन होता है उनमें स्टोन होने की प्रवृत्ति भी ज्यादा पाई जाती है, तो ऐसा देखने में मिलता है। तो ऐसे रोगियों को शुगर जो है कंट्रोल रखें, खासकर औषधियों से नहीं, अपनी दिनचर्या को बदलकर यदि ऐसा करते हैं तो उनको स्टोन की भी समस्या आगे नहीं। डॉक्टर, किडनी स्टोन ना हो इसके लिए किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए? किडनी स्टोन ना हो इसके लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि दर्शकों को भी बताना चाहूंगा आपके, कि सुबह खाली पेट ना रहें, पानी की जितनी मात्रा जरूरी है उतनी ही मात्रा ली जाए। जरूरी की डेफिनेशन क्या है? जब प्यास लगे तब पानी पिया जाए, और पानी सिप बाई सिप लेना चाहिए, एकदम से बहुत सारा पानी, ज्यादा मात्रा में पानी पी लेना ये उचित नहीं है। या बहुत सारे लोग सुबह उठकर एम्प्टी स्टमक उठकर बहुत सारा पानी, आधा लीटर, एक लीटर पानी, चार गिलास, पांच गिलास पानी, छह गिलास पानी पी जाते हैं, तो ऐसा करना उचित नहीं है। जितनी जरूरत है उतना पानी पिए, आधा गिलास, एक गिलास की मात्रा सुबह उठकर लेने के लिए जरूरी है, क्योंकि सुबह उठकर पानी जो लोग पीते हैं उनको आगे जाकर अग्निमांद्य नाम की बीमारी होती है। बताया गया अग्निमांद्य जो है इसका मतलब होता है धीरे धीरे भूख लगना बंद होती है, और इससे फिर शरीर में आम का फॉर्मेशन होता है, टॉक्सिन शरीर में कलेक्ट होना शुरू होते हैं,
और ये भी एक कारण जाकर स्टोन के लिए बनता है जी। इससे भी ध्यान रखेंगे तो स्टोन प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं होगी जी। डॉक्टर, अगर महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ये समस्या 3 गुना अधिक है, ऐसा क्यों, क्या कारण है कि महिलाओं और पुरुषों में इतना डिफरेंस है? इसके लिए लाइफ स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लाइफ स्टाइल डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो मैंने बताया एम्प्टी स्टमक रहना, अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो है उसके लिए भी उसमें कारण एक है जिसके कारण स्मॉल पॉपुलेशन होता है। ये सिर्फ जो मेल फीमेल रेशो है इसके कारण डिफरेंस डिफर होता है, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसे रीजन बोलना कोई इसका अभी तक कारण नहीं मालूम है ऐसा क्यों है। लेकिन इस प्रकार की यदि 3 बीमारियां मैंने आपको बताई, वो यदि 3 बीमारियां देखने को मिल रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन लोगों में एक बीमारी ज्यादा देखने को। डॉक्टर, किडनी स्टोन का आयुर्वेदिक इलाज क्या है? इलाज के लिए तो बहुत सारी मेडिसिन है और बहुत प्रभावी ढंग से इसका इलाज उपलब्ध है आयुर्वेद में, और बहुत सारे केसेस में जहाँ पर बहुत ज्यादा स्टोन का साइज नहीं है तो बिना ऑपरेशन के भी आयुर्वेद से इलाज उपलब्ध है। उसके लिए इसमें आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता है और वहाँ के नजदीकी जो भी आयुर्वेद चिकित्सक हो उनसे मिलना चाहिए। लेकिन मैं जो अभी यहाँ बता सकता हूँ चिकित्सा के बारे में वो ये है कि बहुत सारी मेडिसिन है, गुक्षुर है, पुनर्नवा है, वरुण है, अभी गुप्पुल है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं, उनको उपयोग होना चाहिए। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सक के निरीक्षण में देख रेख में ऐसी और मार्केट से लेकर दवा का खाना सेवन करना उचित नहीं है, उसके कई प्रकार के आपको साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और घरेलू घर पर कुछ करना है और ज्यादा समस्या नहीं है या किसी को पहले स्टोन हो चुका है आगे नहीं हो इसके लिए प्रिवेंशन चाहते हैं तो उनके लिए तुलसी की एक दाल आती है, सुलक्ठ बोलते हैं उसका, सुलक्ठ बोला गया है। तुलसी की दाल को सूप के फॉर्म में बनाकर बॉईल करके जस्ट जैसे दाल बनाई जाती है घर पर वैसे ही 7 दिन में 2 बार 3 बार ली जा सकती है। इससे प्रिवेंशन रहेगा, जिन लोगों को स्टोन हो चुका है बार बार हो रहा है उनको नहीं होगा। नॉर्मली स्टोन में ये देखने को मिलता है कि एक बार हो गया फिर 2 बार होता है, तीसरी बार होता है, ऐसा क्यों हो रहा है के कारण के लिए उसके पीछे की जो बीमारियां हैं जो मैंने बताई वो जिम्मेदार है, उसके लिए फाइल जिम्मेदार है, इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम जिम्मेदार है, उसके लिए कॉन्स्टिपेशन जिम्मेदार है, जो कि लोग चिकित्सा करते नहीं है। वार्ड पेशेंट को भी ये बात की जानकारी नहीं होती है कि इस कारण ऐसा हो रहा है। यदि उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाएगा, पहले जो प्राइमरी डिसीज है उसको ट्रीट कर दें और उसके बाद उसके साथ स्टोन की ट्रीटमेंट होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर जब अक्यूट कंडीशन में पेशेंट आ रहा है तो पहले स्टोन की ट्रीटमेंट हो और उसके बाद उसको हम जो कि प्राइमरी डिसीजेज है उनको ट्रीट कर दें, जो कॉज है उसको ट्रीट कर दें तो उसको रिकरेंट नहीं होगा, रिलैप्स नहीं होगा जी। डॉक्टर, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसे किडनी स्टोन है या उसे स्टोन जैसी बीमारी से वो ग्रस्त होने हो रहा है? इसके लिए डायग्नोस्टिक अप्रोच होती है, लेकिन उसके पहले पेशेंट को कैसे पता लगे उसके लिए बहुत किसी को पेट में दर्द हो रहा है इसमें एक बहुत स्पेसिफिक टाइप का अब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है जो पीछे से आगे की तरफ मतलब जो आपका कमर के ऊपर का हिस्सा है वहां से दर्द जो है शुरू होता है और पेट की तरफ बढ़ता है, ग्रोइन टू ग्रोइन बोलते हैं। ये दर्द जब इस तरफ को इस तरीके से मूव हो रहा है तो एक सिग्निफिकेंट साइन होता है कि पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली स्टोन होना चाहिए। बाकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये रीनल स्टोन, यूरेट्रल स्टोन का एक सिम्टम है, एक साइन है जो हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। उसके साथ में रिकरेंट यूटीआई होना या हेमिचूरिया, ब्लड यूरिन के यूरिन में ब्लड का आना, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो ये एक साइन होता है कि नहीं, यहाँ पेशेंट को स्टोन की समस्या हो सकती है। उसके बाद में डॉक्टर जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है एक एक्सरे केयूवी होता है वो कराया जा सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी है अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, इन दो जांचों से बहुत आसानी से पता चल जाता है कि पेशेंट को स्टोन है या नहीं है, उसका साइज क्या है, किस जगह पर है, किडनी में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है, किस जगह पर है, वो भी ज्ञात होकर उसकी चिकित्सा उसी के अनुसार अवस्था अनुसार की जाती है। बिल्कुल, तो दर्शकों से भी मैं, अगर आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन लाइन हमारी खुल चुकी है। डॉक्टर, आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। डॉक्टर अनुज जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी बीच हमारे एक दर्शक अजय कुमार जी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं थोड़ा सा अलग सवाल ये है कि क्या गोल्ड गॉल ब्लैडर से स्टोन आयुर्वेद से निकलना संभव है? मैं इनकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, आप रिपीट करेंगे? अजय जी अपना सवाल रिपीट कर दीजिए, एक बार दोहरा दीजिए आपका सवाल क्या है। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो क्या संभव है कि आयुर्वेद से निकल जाए? जी 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 बिल्कुल, आपका क्वेश्चन आ गया है मेरे पास। गॉलब्लैडर स्टोन एक्चुअली जो है आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपने पूछा है मैं बता देता हूँ। गॉलब्लैडर स्टोन यदि है पेशेंट को, उनके गॉलब्लैडर में स्टोन है, तो एक्चुअली क्या है, गॉलब्लैडर में तीन प्रकार के स्टोन, मतलब जो फॉर्मेशन होता है स्टोन का वो तीन प्रकार से होता है, तीन प्रकार का है उसमें, यदि लिपिड का है या बाइल का है तो वो स्टोन जो है डायल्यूट हो जाता है, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड का बना हुआ यदि स्टोन है तो वो डायल्यूट नहीं होता है गॉल स्टोन के लिए। एक न्यूरेट्रिक स्टोन में है तो मैक्सिमम सभी प्रकार के स्टोन पास आउट हो जाते हैं या क्रश होकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मुस्लिम लोग बोलते हैं कि स्टोन गॉल स्टोन बन गया है तो वो निकल जाएगा, जब निकलता नहीं वो डायल्यूट होता है। इस बात को समझिए, यदि आपको समझ में आ जाएगा तो समझ में आएगा कि हाँ हो सकता है और होता है, लेकिन उसमें से तीन प्रकार में से दो प्रकार का होता है। ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा यदि स्टोन में ज्यादा है उसमें स्टोन डायल्यूट होने में या तो समय लगता है या नहीं होता है। ऐसा पता करने का कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए उपचय अनुपचय चिकित्सा बोलते हैं, मतलब 3 से 4 महीने मेडिसिन चिकित्सा लेनी होती है। यदि वो निकल जाता है तो दो प्रकार में से एक है, और नहीं निकलता है तो ऑक्सैलिक एसिड का है। अजय जी मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपना सवाल डॉक्टर से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे आपके हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या पथरी के कारण और भी रोग हो सकते हैं? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। पथरी के कारण बहुत ज्यादा रोग और भी रोग होते हैं, लेकिन उनमें से एक जो रोग है वो बहुत दुखदायी है जिसको बोलते हैं किडनी फेलियर। स्टोन जिनको रिकरेंट होते हैं, बार बार स्टोन होते हैं, या फिर स्टोन की ट्रीटमेंट ले ली जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि पेशेंट को स्टोन हुआ, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है या प्लस थेरेपी ले लेता है या स्टोन को क्रश आउट करने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, ऐसा तो कर लिया लेकिन फिर से उसको स्टोन बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? जी क्योंकि उसको जो उसकी बेसिक बीमारियां हैं उनका उसका इलाज नहीं किया गया। आयुर्वेद में यही कहा गया है कि इलाज जो है उसका जड़ से होना चाहिए, मूल से होना चाहिए। तो यहाँ पर जब स्टोन का इलाज हुआ वो ये नहीं है कि मूल से इलाज हो गया उसका, उसका इलाज जो है उसकी जो और तीन बीमारियां हैं या उसके शरीर में और कोई ऐसी डिसीज है जिसके कारण ऐसा हो रहा है वो एक फाइंड आउट करेगा और उसका इलाज करेगा। लेकिन स्टोन रिकरेंट हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब किडनी और यूरेटर के बीच में, यूरेटर में यदि स्टोन अटक रहा है या बार बार वहां पर फंस रहा है, इसके कारण क्या होता है कि वहां पर यूरिन जो है फिल हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है जिससे रुकावट पैदा होती है और आगे जाकर ऐसा लगातार 2-3 बार 4 बार होने से पेशेंट को किडनी फेलियर नाम की बीमारी हो जाती है, जो कि काफी घातक और गंभीर रोग है। इसलिए किडनी स्टोन को साधारणता नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तो कुछ हद तक ऐसे रोग देखे गए हैं किडनी स्टोन रिकरेंट होने के बाद किडनी फेलियर होता है। हम रोज रोगी अपने यहाँ देख रहे हैं, 10 रोगी हम रोज देख रहे हैं तो उनमें से हम 2 रोगी ऐसे देख रहे हैं जिनको स्टोन का प्रॉब्लम रहा है हिस्ट्री में और उसके बाद पेशेंट किडनी फेलियर में गया है। और ऐसे लोगों को एक अच्छी बात है, लेकिन यदि आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाकर चिकित्सा लेते हैं तो उनकी जो किडनी फेलियर है उसमें काफी हद तक रिवर्स होने की संभावना बनती है, ऐसा हम कई बार सिद्ध कर चुके हैं। जी डॉक्टर, अगर कोई व्यक्ति को स्टोन्स है और अगर उसको दर्द हुआ है, उसको हॉस्पिटल जाना है और उसी बीच अगर ज्यादा दर्द बढ़ जाए तो दर्द कम करने के लिए क्या कोई दवाई है? हाँ बहुत अच्छी और बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन मैं उन दवाइयों के नाम यहाँ पर बताना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि फिर पेशेंट डायरेक्ट वो दवाइयों का प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन ऐसी कई दवाइयां हैं जैसे आयुर्वेद में शूल वज्रग्नि बटी है, कनका सव है,
हिंगू कर्पूर बटी है, ऐसी कई दवाइयां हैं जो अक्यूट कंडीशन में पेन मैनेजमेंट करती हैं और पेशेंट का पेन सब्साइड हो जाता है। उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जरूर जाएं, जो दवाओं के नाम मैंने बताए हैं उनको ऐसे ही खरीद कर उपयोग ना करें। ये मेरी एक क्वेश्चन है पेशेंट के लिए या जो आपके लिसनर्स हैं उनके लिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। जी डॉक्टर, किस तरह का लाइफस्टाइल रखना चाहिए अगर किसी को पथरी है तो, क्योंकि लाइफस्टाइल काफी महत्वपूर्ण है अगर खुद को स्वस्थ रखना है। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है आज के टाइम पे। जी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल के जो आजकल के पैरामीटर्स हमने तय कर दिए हैं वेस्टर्न कल्चर को देखकर, वो ही गलत है। लेट नाइट फूड एक प्रॉब्लम है, फास्ट फूड, जंक फूड, फाइबर रिच नहीं है ऐसा फूड खाना, फाइबर नहीं खा रहे हैं हम लोग, ये एक समस्या है। सुबह खाली पेट रहते हैं बहुत सारे लोग, या बहुत सारे लोग जो है वर्किंग है वो सुबह ऐसा खाना खा रहे हैं जो कफ को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाने का मतलब जो म्यूकस को पैदा करता है शरीर में, उसकी जो स्टोन है वो म्यूकस के कारण ही बन रहा है। तो डिफेक्ट जो बन रहा है, डिफेक्टेड म्यूकस है मतलब जिसको हम बोलते हैं खराब म्यूकस के शरीर में बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह ब्रेकफास्ट में वो मिल्क ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, मैदा से बनी चीजें ले रहे हैं, या पूरे दिन में फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, ये तो सभी रोगों का एक्चुअली कारण है, सभी रोगों की जननी है। तो इस चीज को समझना चाहिए कि ऐसी आहार को हम ना प्रयोग करें, ऐसे आहार को ज्यादा लें जिसमें फाइबर हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें पौष्टिकता हो, मेनली ऐसे आहार को हमें सेवन करना चाहिए, ना कि सुबह उठकर जल्दी हमें इजी हो जाए तो हम रेडीमेड ब्रेड जो आ रहा है मैदे से बना हुआ है वो खा रहे हैं, ये क्या करता है शरीर में, या इस प्रकार की लाइफ स्टाइल सेवन पैदा करती है और वो अंदर जाके कफ बनता है और कफ अंदर फिर बाद में स्टोन का निर्माण होता है और दूसरे दोषों के साथ मिलता है। डॉक्टर, ऐसे कौन से खान पान में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको पथरी जिसको है उसको नहीं खाना चाहिए? हाँ, पथरी जिनको है उसके लिए जिनमें कैल्शियम ज्यादा है, ऐसा बोला जाता है कि जिनमें कैल्शियम ज्यादा है या ऑक्सैलिक की मात्रा ज्यादा है ऐसी चीजें नहीं खानी है, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं और हम अपनी प्रैक्टिस में इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि फाइबर रिच जो फूड है वो लिया जाए, वो इम्पोर्टेंट है। किसी एक चीज को बहुत ज्यादा खाना या एक चीज को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसी चीज है जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो वो हम पर्सनली पेशेंट को देखने के बाद या कोई भी चिकित्सक पर्सनली देखने के बाद वो बताएगा कि भाई आपको इस चीज से प्रॉब्लम है तो नहीं खाएं। नॉर्मली जिनमें कैल्शियम ज्यादा है उन चीजों को मना किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार हो गए इस तरह फिर उन चीजों को खाई ना जाए, ये इस चीज को सुधारना चाहिए, क्योंकि फिर उससे और शरीर में और चीजों की कमी आती जाती है। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किडनी स्टोन से निजात पाने के उपायों के बारे में हमें डॉक्टर अनुज जैन ने बताया और किस तरह से क्या खान पान करना चाहिए और किस तरह की लाइफस्टाइल जीनी चाहिए ये सभी हमें डॉक्टर ने आयुष्मान भव में बताया। और इसी के साथ आयुष्मान भव में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरि।